साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेलसर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 12 के 12 स्केल में राग शिवरंजनी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको राग शिवरंजनी का मास्टर बनना है और मन से गीत निकालने में महारत हासिल करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो के माध्यम से अन्य किसी राग को भी तैयार कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, आपको एक पट्टी बनाना है। इस पट्टी को हम बार बार उठाकर अलग अलग स्वर के सामने रखेंगे। जैसे अभी इस पट्टी का मैंने जो मध्य सप्तक का सा है इस पहले सफेद के साथ में मिला दिया है। आपको राग शिवरंजनी के स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये सा है, ये सुद्रे, ये गा कोमल गा है, पा धा और ये तार सप्तक का सा। आपको उंगलियां उठा उठा के रखना है, इससे आपकी उंगलियों में स्पीड आएगी। क्योंकि जब आप उंगली को स्थायी रूप से रख देते हैं तो उंगली या अंगूठा वहां चिपक जाता है, तो आपको हाथ उठा उठा कर रखना है। तो हारमोनियम कई प्रकार से बजता है। ये जो घसीटा हारमोनियम है, जब हम किसी के साथ आवाज़ मिलाते हैं हारमोनियम पर, उसके स्वर को मिलाते हैं तो घसीटा हारमोनियम बजाते हैं। लेकिन जब हमको स्पीड में हारमोनियम बजाना होता है तो हाथ को उठा उठा कर लगाते हैं। ये सा है, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा ग रे सा। ये जो बीच का सप्तक है ये मध्य सप्तक कहलाता है। यहाँ पर हमारी आवाज साधारण बोलचाल की आवाज होती है। कोई भी गीत केवल मध्य सप्तक में ही नहीं बसता है, कुछ गीत मंद्र सप्तक में भी जाता है, कभी कभी गीत तार सप्तक में भी जाता है। तो हमको मंद्र सप्तक के स्वरों को भी समझना होगा। यही स्वर मंद्र सप्तक में भी हैं। तो मंद्र सप्तक में आवाज नीचे जाएगी, सा रे सा रे गा पा धा सा। तो आपने देखा मध्य सप्तक के सा से जब हम नीचे उतर रहे थे तो आवाज नीचे की ओर जा रही थी, भारी आवाज हो रही थी सा। अब ये तार सप्तक का सा है, यहां से आवाज बहुत ऊंची जाएगी। मैं तार सप्तक के सा से आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करूंगा। सा रे गा पा धा सा, वहां मेरी आवाज फट जाएगी अगर मैं इस आवाज के बराबर आवाज मिलाऊंगा तो। सा धा पा गा रे सा। आपको सुन सुन के तीनों सप्तकों की आवाज को समझना है, क्योंकि तीनों सप्तकों में आपको यही स्वर दिखाई देंगे और उनकी दूरियां भी समान होंगी। आप ध्यान से इस बात को समझें, आपको स्वर पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए, पहला सफेद ये सा, ये पहला सफेद सा, ये पहला सफेद सा, दूसरा सफेद रे, दूसरा सफेद रे, ये दूसरा सफेद रे, दूसरा काला गा, दूसरा काला गा, दूसरा काला गा। अब यही का यही स्वर आपको हर जगह मिलेगा। पांचवा सफेद, छठवा सफेद, पांचवा सफेद, छठवा सफेद, पांचवा सफेद, छठवा सफेद। तो आपको आसानी से ये पाधा पहचान में जाएंगे। पाधा 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 सा। तो आप ऐसे प्रत्येक सप्तक के स्वरों को पहचानिए। अब आप कम से कम मध्य सप्तक के सारे गापा धासा को तीन ताल के साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा कम टेम्पो आपको रखना है, 80-90 का टेम्पो आप रखिए और ताल के साथ में ये प्रैक्टिस करिए। सारे गा
मान लीजिए आपको थोड़ा सा और ऊंचा गाना है, तो आप एक स्वर ऊपर अपनी आवाज कर लीजिए। अभी हम पहले सफेद से गा रहे थे, अब हम पहले काले से गाएंगे। तो मैंने ये पट्टी को आगे खिसका दिया है और ये स्वर अब आपके चेंज हो जाएंगे। आप इस तरह की पट्टी जरूर बना लें, क्योंकि इस तरह की जब आप पट्टी बना लेंगे तो आपको स्वर ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये आपका सा है, सा, ये रे, ये मंद्र सप्तक के सा रे, ये तार सप्तक के सा रे, गा गा पाधा ऐसे स्वरों को पहचाने कि स्वर कहाँ हैं। एक बार आप तीनों सप्तकों में स्वरों को पहचान लें। उंगली को आपको उठा उठा के लगाना है, इससे आपकी उंगलियों में गति रहेगी। यहाँ आवाज बहुत पतली रहेगी, अगर मैं इसके बराबर सही आवाज मिलाऊंगा तो मेरी आवाज फट जाएगी। अब आपको तीन ताल के साथ में प्रैक्टिस करना है। अब आपको एक स्पेशल प्रैक्टिस करना है। आप सारे गा पा धा सा यहां तक तो गए, लेकिन अब लौट के धा तक आएंगे। सा धा पा गा रे सा धा। अब धा से आगे बढ़ेंगे तो धा तक ही जाएंगे। धा सा रे गा पा धा। अब पीछे हम पा तक आएंगे। धा पा गा रे सा धा पा। पातक, अब पातक ही आएंगे वापस। पा धा सा रे गा पा। अब लौट के गा तक जाएंगे। पा गा रे सा धा पा। अब गा से गा तक ही जाएंगे। गा पा धा सा रे गा गा रे सा धा पा गा रे। अब रे से रे गा पा धा सा रे रे सा धा पा गा रे सा। आप ये प्रैक्टिस ताल के साथ भी कीजिए। यही प्रक्रिया हमको मध्य सप्तक के स्वर और तार सप्तक के स्वरों के साथ अपनाना है। पहले तो हम तार सप्तक के सा तक ही जाएंगे। किस तरीके से? सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। अब हम तार सप्तक के रे तक जाएंगे। सा रे गा पा धा सा रे। अब लौट के हम रे तक ही आएंगे। रे रे सा धा पा गा रे। अब रे से हम गा तक जाएंगे। रे रे गा पा धा सा रे गा। गा से हम केवल अब गा तक लौट के जाएंगे। गा गा रे सा धा पा गा। अब गा से पा तक जाएंगे। गा गा पा धा सा रे गा पा। अब आवाज मेरी यहां से फटने लगी,
अब पा से हम केवल पा तक लौट के जाएंगे। पा पा गा रे सा धा पा। अब पा से हम धा तक जाएंगे और धा से हम धा तक ही लौट के आएंगे। सा धा। इस प्रकार हम एक एक स्वर आगे बढ़ते जाएंगे। इससे आपको मध्य सप्तक और तार सप्तक के स्वरों की आवाज का अंतर महसूस होगा। अब यही प्रैक्टिस हम ताल के साथ करते हैं। आप 12 के 12 स्केल से स्वरों को समझ लीजिए। इससे आपको स्वरों की ऊंचाइयों का आभास होने लगेगा। अब मैं इसको दूसरे सफेद के साथ कर देता हूं। ये देखिए, दूसरे सफेद के साथ मैंने अपना सा मिला दिया है मध्य सप्तक का। इस पट्टी को आप अच्छे से जमा लीजिए। 12 के 12 स्केल से आपको राग शिवरंजनी को समझने के लिए थोड़ा सा मानसिक श्रम ज्यादा करना होगा, प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा। लेकिन एक बार अगर आप 12 के 12 स्केल से इन स्वरों को समझ लेते हैं तो आपको स्वरों की आवाज समझ में आने लगेगी। कोर दबाया मैंने सागापा सागापा। अब हम ताल के साथ में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक बार आप तीनों सप्तकों के स्वर पहचान लीजिए। ये मध्य सप्तक का सा सा सा, ये मंद्र सप्तक का सा सा सा, ये तार सप्तक का सा रे 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 स्वर को पहचानिए। मंद्र सप्तक में वो स्वर कहाँ है, मध्य सप्तक में कहाँ है और तार सप्तक में कहाँ है। उस स्वर पहचानने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनकी बटने एक जैसी हैं। ऐसे जो मध्य सप्तक का सा है और मंद्र सप्तक का सा है, दोनों देखो एक जैसी बटने हैं सा, और यही बटन आपको ऊपर मिलेगी सा, तो आप तार सप्तक का सा भी पहचान गए। इसी प्रकार रे का देखें, वही बटन है रे रे स्वरों को पहचान जाएंगे। इस पट्टी को उठा के मैं दूसरे काले के साथ में रख देता हूं। ये दूसरा काला सा सा सा। तो आप स्वर पहचानने का तरीका सीख गए हैं।
मैं केवल मध्य सप्तक में ये स्वर आपको बता देता हूँ। सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। एक बार ताल के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे गा पा धा सा पट्टी को पुनः हम हमारी आवाज की रेंज के हिसाब से, हमें लगता है कि आवाज अभी भी हमारी नीची है तो एक स्वर और ऊपर बढ़ा लेंगे और तीसरे सफेद को मैंने अपना सा बना दिया है। अब आप इस तीसरे सफेद से स्वरों को पहचानिए। सा रे गा पा दा बार प्रैक्टिस कीजिए। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। अब ताल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस पट्टी को खिसकाते जाना है और अपना सा ऊपर की ओर करते जाना है। जहां आपको लगेगा कि आपकी आवाज यहां पर सहज है, आपका सा वही होगा। आपका सा निर्धारित करने का तरीका यही है। जैसे अगर आपने इस चौथे सफेद को अपना सा बनाया तो आप इस चौथे सफेद से इस चौथे सफेद तक तो जा पाएंगे, इससे ऊपर भी कम से कम पा तक जा पाए और इससे नीचे कम से कम दो स्वर नीचे जा पाए मंद्र सप्तक के पा तक, तो आपका ये सा बनाने योग्य है। इस प्रकार आप अपने सा का निर्धारण भी कर सकते हैं बार बार अलग अलग स्वरों को चेंज करके। अब मैं चौथे सफेद से आपको शिवरंजनी के स्वर समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे ये सा है। सा यही चौथा सफेद मंद्र में है। सा अब आप स्वरों को समझें। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। ताल के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। बनाने का नियम यही है, आप जिस भी स्वर को अपना सा बनाएं उस सर स्वर से तार सप्तक के सा तक आपकी आवाज जाना चाहिए और ऊपर भी कम से कम पा तक आपकी आवाज जाना चाहिए और मंद्र सप्तक में कम से कम पा तक आपकी आवाज जाना चाहिए, तब आप उस स्वर को अपना सा बना सकते हैं। अब तीसरे काले को मैंने अपना सा बनाया, या तीसरे काले से हम राग शिवरंजनी के स्वरों को समझ रहे हैं। सा रे गा पा दा सा सा ता पा गा रे सा धा पा पा धा सा। किसी भी स्केल से स्वर पहचानने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो बटने एक जैसी ही हैं, क्योंकि ये तीसरा काला जो है वही तीसरा काला यहां ऊपर है, तो आपको सा आसानी से पहचान में आ जाएगा। वही तीसरा काला तार सप्तक में है, ये अति तार है और ये तार है। अति तार की आवाज बहुत ही पतली होगी।
सा रे पाधा पाधा पाधा। तो आपको आसानी से स्वर पहचान में आएंगे, गा गा। ऐसे आप स्वरों को मिला मिला के देख लें, सा रे गा पा दा सा। क्योंकि यहां ऊपर आवाज है बहुत। आप पांचवें सफेद से शिवरंजनी के स्वरों को समझें, आप इस पट्टी को खिसकाते जाएंगे तो आपको स्वर सामने दिखाई देते रहेंगे, सा। आप अपनी आवाज मिला मिला के देखें कि किस स्केल में गाने में आपको बड़ा सहज लगता है। स्वर तो आपको 12 के 12 स्केल से समझने होंगे, भले ही आप वहां ना बोलें, लेकिन स्वर को आपको समझना होगा, क्योंकि आप 12 स्केल से ही गाएंगे। कभी किसी पिच से गाएंगे, कभी किसी पिच से गाएंगे। सभी 12 पिचों को समझना बहुत जरूरी है। आप इसको ताल के साथ भी प्रैक्टिस करें, अब चौथे काले को अपना सा बना रहा हूं मैं, सा। ये मध्य सप्तक है, यहां से सा। मंदिर में जाएंगे तो आपकी आवाज नीचे की ओर उतरेगी, सा धा पा पा धा सा सा। आप अपनी आवाज मिला मिला के देखें कि आपका सा कितना ऊंचा आपको रखना चाहिए, कि आवाज अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो केवल आप उस साउंड को ध्यान से सुने और उसको बजाएं। ये सा रे गा पा दा सा सा दा पा गा रे सा। अब ताल के साथ प्रैक्टिस करिए, ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर भी उतर सकते हैं। अब मान लो हमारा सा छठवा सफेद है, लेकिन ऊपर हमारा आवाज नहीं चढ़ता है, छठवे सफेद के साथ नहीं मिलता है, तो हम मंद्र सप्तक के छठवे सफेद के साथ अपनी आवाज को मिला सकते हैं, सा सा। आप स्वर पहचाने, सा रे एक स्केल से स्वरों को पहचानना जरूर सीखें, सा 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 सा। ऐसे आवाज को समझें कि आपकी आवाज कैसे मिलेगी उस स्वर से। आपको आवाज मिलाने के लिए पहले बार बार उस साउंड को सुनना होगा। जैसे ये साउंड बज रहा है, पहले आप इस आवाज को सुनिए, क्योंकि एकदम से आप आवाज मिलाएंगे तो नहीं मिलेगी, बार बार सुनना पड़ेगा। सुनने से वो वाइब्रेशन आपके दिमाग में चला जाएगा और आपका दिमाग उस सही ध्वनि की
फ्रिक्वेंसी को आपको भेजेगा। तो पहले बार बार इस स्वर को सुनिए। ये फाल्स टोन कहलाती है। मैं थोड़ा सा नाक का स्वर दे रहा हूं, सा। मैं खुली आवाज से नहीं गा रहा हूं, सा रे गा पा ये खुली आवाज है। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। अब ताल के साथ प्रैक्टिस करें। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। हमारा सातवां सफेद आ गया। आप उंगलियों को पहले इन स्वरों पर सेट करें। सातवें सफेद से शिवरंजनी के स्वर समझने के लिए पहले एक बार ध्यान से देखें। सा रे गा पा धा सा, उंगली सेट करें। ऐसे उंगलियों को जमाएं पहले। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा धा, सा धा पा धा, सा धा पा धा, धा पा धा रे। आपने जब स्वर समझ लिए तो फिर इनको ताल के साथ प्रैक्टिस करें। अलग अलग तरीके से इन स्वरों को समझें। को मैंने 12 के 12 स्केल से राग शिवरंजनी के स्वरों को समझाया है। हमारा बेस तो पहला काला ही रहेगा। पूरा हमारा जो सिखाने का कोर्स है वो पहले काले से ही रिलेट रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको 100 अलंकार शिवरंजनी के बताऊंगा। उन 100 अलंकारों को कर लेने के बाद आपको किसी भी राग का गीत निकालने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि स्वर ज्ञान तो निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। और वो 100 अलंकार बहुत सरल सरल से आपको बताए जाएंगे, जो शुरुआत में इतने सरल होंगे कि उनको आप आसानी से कर सकते हैं। हारमोनियम सीखने के वीडियो बड़े ही बनेंगे, क्योंकि आपको बड़े वीडियो देखना पड़ेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं उनको हारमोनियम समझ में नहीं आती है, और वो कहते हैं वीडियो से हम हारमोनियम नहीं सीख रहे हैं। हारमोनियम सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो आप जरूर कर दें, और एक कमेंट भी कर दें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।